अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। तो आज हम बात करते हैं कि अपना पेपाल का अकाउंट किस तरह से हम पायोनियर के अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें बेल आइकन बटन, और इसके बाद हम चलते हैं अपने काम के ऊपर। हमने करना क्या है, सबसे पहले आपने लॉगिन करना है अपना पेपाल का अकाउंट और अपना पायोनियर का अकाउंट। मैंने पेपाल का अकाउंट भी लॉगिन किया, ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने नेम के ऊपर क्लिक करें, जो और प्रोफाइल सेटिंग के नीचे आपको अकाउंट सेटिंग होगी, ओके, इसके ऊपर क्लिक करें। अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा मनी बैंक्स कार्ड, ओके, इसको स्क्रॉल डाउन थोड़ा करता हूँ और ये रहा मनी बैंक्स एंड कार्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ओके, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद ओके, ये रहा, मैंने एक बैंक अकाउंट अटैच किया है। आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है, लिंक के न्यू बैंक अकाउंट, ठीक है। और आप पहले चले जाएं अपने पायोनियर के अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे रिसीव ऑप्शन होगा, ऑप्शन के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज, ओके, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ओके। तो ये रहा जी ग्लोबल पेमेंट्स में, आप इसे स्क्रोल डाउन करें। स्क्रोल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे तीन बैंक्स मिलेंगे, आपने किस बैंक अकाउंट को उसके साथ अटैच करना है, क्योंकि आप यूएसए सिंगापुर और यूके पायोनियर के साथ अटैच करते हैं, पाकिस्तान का अकाउंट फिलहाल तो नहीं अटैच होता। और आप सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एक बैंक और आप चाहते हैं जी यूके का अटैच करना है, यूके के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट दे रहा है, ये अकाउंट नंबर दे रहा है, और ये दे रहा है जी आपको बेनिफिशरी नेम, ठीक है। आप सपोज आपने यूएसए का करना है, ठीक है, आप यूएसए के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ से आपको एक चाहिए बैंक का नेम, यहाँ पे मैं आपको लिंक का ऑप्शन बताता हूँ, ये रहा लिंक ए न्यू बैंक का अकाउंट, ओके, यहाँ पे आपको बैंक का नेम देना है। फिर वापस चले जाएं, कॉपी करें इसको, इसको पेस्ट कर दें, ये हो गया बैंक का नेम। आपका बैंक का नेम और होगा, अकाउंट नंबर और होगा, और यहाँ पे राउटिंग नंबर, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर क्या होगा, अब ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपने कॉपी के बटन के ऊपर दबाना है और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो लिंक योर बैंक अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ओके, ये आपका बैंक अकाउंट लिंक हो गया। बहुत ईजी था, आपने जस्ट क्या करना है, वहाँ से अपना राउटिंग नंबर, बैंक का नेम और अपना अकाउंट नंबर लेना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये तीन ऑप्शन आपके सामने होंगे। राउटिंग नंबर आपने किसी का बैंक अकाउंट नंबर नहीं लगाना, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने अपना लगाना है। थैंक यू। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो थम्स अप।